आपने आपने बच्चों को क्यों नहीं गया इसमें? अरे ये तो बहुत अच्छी कला है, इसको तो जीवित रखना चाहिए ना आगे। आपने क्यों नहीं रखा इसको जीवित? ये कला मिलती नहीं है ना, जो ये संस्कृति हमारी ना, इसको जीवित रखना चाहिए और आपने रखा नहीं ना। नहीं नहीं, एक बच्चे को तो करना चाहिए आपको कम से कम। नहीं तो कितना अच्छा बनाया, बहुत ज्यादा बना रखा है। ये हनुमान जी की मूर्ति है जिसकी स्थापना आज बिरो देवल में होने वाली है और यहाँ के लोग बड़े उत्साहित हैं। मौसम की मार और ठंड के कारण, बारिश के कारण तब भी लोग यहाँ पर आ रखे हैं और इस मूर्ति की स्थापना के लिए लोग उत्साह है। आज बजरंग बली की स्थापना है और ये यहाँ पर एक कलाकार है जिन्होंने इस मूर्ति को स्थापना की है। और ये बिरो का एक मंदिर है जिस मंदिर में स्थापना होगी। और ये जानदार, ये देखो सामने लोग लगे हुए हैं। और ये ठीक है सर कांडवाल जी, ये कलाकार बहुत अच्छे हैं जिन्होंने ये मूर्ति बनाई है। आपका इनके विषय में क्या कहना है? एक्चुअली ये बहुत पहले से ही ये काम करते हैं। अच्छा। और ये मंदिरों का काम ज्यादा करते हैं जी, और भगवान की मूर्तियां बनाते हैं जी। और बचपन से ही इनका यही कारोबार है जी, और इसी से इनकी आजीविका भी चलती है जी। उसके अलावा इनकी अपनी खेती है, अपना पशु है, अपना दूध का भी करते हैं जी, व्यापार और कई तरह का है इनका अपना जी। मुख्यतः इनका यही है मूर्तियां बनाना। सर मैं ये बोलना चाहूंगा, जो ये मूर्ति बनाने की कलाकार आज इसकी तो बहुत कीमत बहुत उसमें है, तो ये आगे क्यों नहीं कर रहे हो ऐसे काम? बस इनको प्लेटफॉर्म मिला नहीं, ये लोकली में ज्यादातर सीमित रहे, बाहर कहीं जा नहीं पाए, कोई इस तरह से इनका प्रचार कोई कर नहीं पाया। अब करना पड़ेगा इनको, आगे बढ़ाओ और व्हाट्सएप से ले जाओ। हो गई करेंगे 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 करेंगे, इनको आगे ले जाओ और प्लेटफॉर्म दो और उत्तराखंड सरकार से इनको इनाम दिलाने की कोशिश करो कि इस ढंग से ये इतने बड़े कलाकार है, बहुत जानदार, देखो इतने अच्छी मूर्ति बना रखी है। ठीक है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर।